जनपद संभल के चंदौसी में कोविड-19 के आदेशों का पालन करते हुए मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती आज सारे देश में भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी अवसर पर जनपद संभल के चंदौसी के संजय नगर में वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी के प्रतिनिधि रामपाल सिंह और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी सम्मिलित हुए, जिन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। इस विषय में सपा के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने बताया कि यहां पर सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन किया गया। आज ये जयंती हमारे पूरे देश में मनाई जा रही है और दुर्भाग्य कि कोरोना की वजह से और जो प्रोग्राम पहले हमारी चंदौसी में होते थे वो आज जुलूस का कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं और मैं बधाई दूंगा हमारे जो आयोजक हैं कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत उन्होंने हर साल विशेष तैयारी के साथ यहाँ शोभा यात्रा निकलती थी और लेकिन मजबूरियां हैं जो कि आज हमें बिल्कुल दायरे में कार्यक्रम करना पड़ा है और हमारे समाज को हमारे देश के लोगों को इन हमारे वाल्मीकि भगवान जी की दिशा निर्देश पर चलें तभी हमारा देश सही और सुरक्षित रह सकता है। अच्छा, जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कोविड-19 के इस दौर में? ये तो काफ़ी हल्का हो चुका है और ये दिसंबर जनवरी तक शायद ख़त्म हो जाएगा। आज पूरे देश में महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मनाई जा रही है। हम चंदौसी में भी हमारे तमाम लोग जो हमेशा से बड़े जोश खरोश के साथ जुलूस के साथ महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाते थे, लेकिन कोरोना महामारी के रूप में थी, हमारे लोगों ने उचित नहीं समझा, शासन प्रशासन के आदेशों को मानते हुए जुलूस जो निकालते थे हम लोग, जो शोभा यात्रा निकालते थे महर्षि वाल्मीकि जी की, उसे स्थगित कर दिया। वहीं पूजा पाठ करके माल्यार्पण करके हमने कार्यक्रम मनाया है हमारे साथियों ने। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा पूरे देश में पूरे देश के वासियों को ये बधाई देना चाहूँगा कि आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई, इस भावना के साथ इस उम्मीद के साथ कि अगर महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम को राम बनाने का काम किया, उनके मान सम्मान को जो अर्धांगिनी थी उनके बच्चे थे भगवान राम के उनको आश्रय देने का काम किया, आज वही उनके वंशज हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रखने का काम करें। अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी तो हम समझेंगे कि भगवान महर्षि वाल्मीकि का संदेश और पंच पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संदेश आज हमारे रूप में काम आ रहा है। यही आज संदेश है हमारा।